तो वही कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ पुलिस ने 62 पेज का चालान पेश किया है। बता दें कि राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। 13 दिसंबर को पटेरिया को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद राजा पटेरिया ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन उसकी बेल को मंजूरी नहीं मिली। बहरहाल मामले की सुनवाई 13 फरवरी से शुरू होगी। तो ग्वालियर से पूरा मामला जहां आपको बता दें कि राजा पटेरिया के खिलाफ अब चालान पेश होगा। पुलिस ने पेश किया 62 पेज का चालान। जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी। 13 फरवरी को अब मामले में सुनवाई होगी। आज MP MLA स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में राजा पटेरिया के विरुद्ध पुलिस पवई के द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लगभग 62 प्रश्न में कुल अभियोग पत्र है जिसको प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि उसमें जो अभियोजन स्वीकृति है वह PDF फॉर्मेट में अभी प्राप्त हुई है। उसको 13 तारीख को अगली डेट लगी है। संभवतः हम उस डेट में अभियोजन स्वीकृति को अभियोग पत्र के साथ संलग्न करवाने का प्रयास करेंगे।